मैग्निफिशेंट एमपी में टाटा बिरला समेत 124 उद्योगपति आएंगे। सीएम कमलनाथ ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी न्योता भेजा है। सीएम कमलनाथ ने मैग्निफिशेंट एमपी की तैयारियों और समीक्षा को लेकर बैठक भी आयोजित की। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैग्निफिशेंट एमपी को लेकर इंदौर तैयार हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों और निवेश को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएस एसआर मोहंती, पीएस उद्योग और पीएस जनसंपर्क सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मैग्निफिशेंट एमपी में आने के लिए राज्य सरकार ने मुकेश अंबानी के साथ साथ अब अनिल अंबानी को भी न्योता भेज दिया है। हालांकि अभी दोनों की ओर से बुधवार तक आने पर सहमति नहीं दी गई। उद्योग विभाग का कहना है कि अंबानी बंधु के मामले में एक दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। इधर कुमार मंगलम बिरला, आदि गोदरेज, टाटा समूह और 124 बड़े उद्योगपतियों के साथ 600 लोगों ने आने पर सहमति दे दी है। कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक दिन की समिट है, कई बड़े उद्योगपति आएंगे। देखिए, ये हमारी सरकार प्रोपोगंडा से दूर है। एक दिन की इन्वेस्टर मीट है। एक दिन में कमलनाथ जी ने जितने उद्योगपति मित्र उनके आ रहे हैं सबको कहा है कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें इन्वायरमेंट देंगे, उद्योगों के लिए स्वस्थ पर्यावरण देंगे और जो सुविधा मध्य प्रदेश की सरकार से आप अपेक्षित है वो सारी सुविधा देंगे। लेकिन मेरे मंच से जब आप कुछ बोल के जाओ उद्योगपति भाइयों, घोषणा करके जाओ, वो मूर्त रूप लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये परिणाम मूलक होगी। 18 तारीख की जो इन्वेस्टर मीट है, कहीं कोई प्रोपोगंडा नहीं। आप पिछली सरकारों में देखिए, आप करोड़ों करोड़ अरबों रुपये खर्च कर देती थी लेकिन निवेश आता नहीं था, कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाता नहीं था, बोल के चला जाता था। लेकिन कमलनाथ के इतने गहरे संबंध हैं इस देश के उद्योगपतियों से कि ये सार्थक परिणाम है। सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं जिनके नाम से इस समय देश जाना जा रहा है, वो सारे उद्योगपति आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश को मिलेगा, उसके लिए वातावरण तैयार कर लिया है। कमलनाथ जी ने निर्देश दे दिए हैं, बड़े स्पष्ट निर्देश कि उद्योगपति के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, कहीं कोई हर्डल आना नहीं चाहिए। जो हमने नीति बनाई है वो सारी लागू कर दो। बता दें कि इसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के साथ उद्योगों के लिए बनाई गई अलग अलग नीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन नीतियों को सबसे पहले निवेश संवर्धन के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी और 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुछ उद्योगपतियों से व्यक्तिगत बात की है। जिन उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है उन्हें भी मैग्निफिशेंट एमपी में बुलवाया गया है। अलग अलग सत्रों के दौरान वे मध्य प्रदेश और उसकी नीतियों के बारे में दूसरे निवेशकों को बताएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने वंडर सीमेंट, रॉल्सन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल समेत कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।